जिला पठानकोट में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब ईश्वर सिंह पहुंचे। बता दें कि जब से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने बड़े हमले भारत में करने की धमकी दी है, तब से जिला पठानकोट में भी हाई अलर्ट चल रहा है, क्योंकि पठानकोट वह जिला है जो कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास पड़ता है और यहां हर रोज कोई ना कोई बड़ा अधिकारी सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पहुँच रहा है और हर नाके की बारीकी से जाँच की जा रही है ताकि कोई भी शरारती तत्व किसी वारदात को अंजाम ना दे सके। हम आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि यह वह पठानकोट जिला है जहाँ कुछ साल पहले आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन पर एक बड़ा हमला किया था। इसी के लिए यहाँ सुरक्षा के पूरी तरह पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि फिर कोई ऐसी घटना ना घट सके। आज साढ़े एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ये साडा पंजाब तो भी हाई अलर्ट टेस्टिंग इस करके पंजाब का मेन एंट्री पॉइंट होने करके इतने हर एक गड्डी जी भी जे एंड के तो आ रही है तो जी जे एंड के वाल जा रही है वो दूसरी साइड हर एक गड्डी रोक के प्रॉपर वो चैकिंग की जा रही है। जो कोई शक्की व्यक्ति सानू लगता है तो वह असं प्रॉपर बायोडाटा चैक कर रहे हैं सिस्टम से ताकि कोई भी इदा का जोड़ा सानू व्यक्ति शक्की लगता है वो शहर से साढ़े स्टेट से एंटर ना कर सके। सर सिक्योरिटी सिर्फ इतने ही बधाई गई है या बाकी भी जी जिले टोटली जिले के टोटली जिले से नहीं टोटली पंजाब के इस टाइम सिक्योरिटी हाई अलर्ट है तो पठानकोट से खास करके क्योंकि एक बॉर्डर एरिया है नाल बॉर्डर लगता है जे एंड के का पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है इस करके सर शहर के सारे सीलिंग पॉइंट शहर के मेन नाके हर एक जगह पर फोर्स बधाई गई है कि हर एक गड्डी हर एक बंदा जिहड़ा कि सानू शक्की लगता उन्हें रोक के उसकी प्रॉपर चैकिंग की जाए। पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।